हरे कृष्णा राधे राधे। तो हल्दी की रस्म के लिए सभी हमारे गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। और जैसा कि आज है ब्लॉक नंबर 11, और ये देखिए, और माधव की बुआ भी आई हुई हैं, तो उनके साथ में वो देखिए दूसरे माधव भी आए हुए हैं। और सभी ने आज येलो एंड ग्रीन कलर की जो है कपड़े पहने हुए हैं। तो हल्दी की रस्म है तो भाई येलो कलर तो बनता है, और येलो कलर की उनकी पोशाक नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि भाई येलो एक ही कलर आता है वेलवेट में ज़्यादातर यही वाला, और सर्दियों के हिसाब से ही पोशाक बनानी है, तो फिर जब एक है येलो तो दूसरी बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इसीलिए वही जो इनकी पोशाक है जो ये रेगुलर में पहनते हैं येलो, वही पहनाई है। तो अभी हो चुकी है हल्दी की रस्म की तैयारी पूरी, चल गई। तो ये देखिए हल्दी के लिए तैयारी हो चुकी है। मैं पास आउटफिट दिखाती हूँ। ओके, ये है हमारी माधवी। इनका इनर आपको काटना चाहिए था भाई, उनका फैशन खराब हो रहा है। ठंड नहीं लग रही ना? चलो ठीक है गाइस, प्लीज इग्नोर दिस। मेरी बहन है, वैसे ही मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि वो भी पंजाबन लग रही है इस लुक में, और मैंने भी सूट डाला है येलो कलर का। और ये है माधव, इन्होंने भी येलो कलर का अटायर पहना है क्योंकि आज है हल्दी। और ये है इनकी हल्दी की प्लेट। तो दूल्हे वाले ये देखिए, दुल्हन साइड, और ये हमारी मेहंदी, और ये है इनका आउटफिट। मेरा ये नहीं है, अब आप प्लीज मेरा दिखाएं। ओके लो, क्योंकि मेरे माधवी ने भी सूट डाला है, इसलिए मैंने भी सूट डाला है। माधवी ने फ्रॉक सूट डाला है, मैंने थोड़ा देसी वाला सूट, प्लाजो भी है। और ओके ठीक है, डन। मैं हल्दी तो बड़ों से महंगी से। ये है हमारे दूल्हा दुल्हन के श्रृंगार। ये देखिए, ये हमारी माधवी के लिए आया है, उनका मंगलसूत्र रखा हुआ है, बिंदी, बिछवे, चूड़ियाँ वगैरह, सिंदूर, ये सारा सामान है उनका, सुहाग का जोड़ा। और ये देखिए यहाँ सारा श्रृंगार, और ये उनकी ड्रेस जो वो शादी पर पहनने वाली हैं, और ये हमारे माधव का। तो ये कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट किया है। सो, अब हम उनका श्रृंगार का सामान ले आए हैं बाहर ही, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लोग हल्दी कर रहे हैं दिन में, और शाम को हम लोग उनके शादी के कपड़े ही बनाने वाले हैं इनको। और ये अभी तक मैंने मेहंदी का ये हटाया नहीं है, सुबह से सोच रही थी अभी चेंज कर दूंगी इसको, हल्दी कर दूंगी, बट ये अभी तक मेहंदी ही हो रखा है। अभी अब बहुत लेट हो गया है, जल्दी से जल्दी हल्दी करते हैं, तो इसलिए अभी ये मेहंदी ही रहेगा। मम्मी, बड़ी मम्मी सो गई हैं, सब तैयार होने में लगे हैं, बड़ी मम्मी सो गई। हाँ क्या बोल रही थी बताओ? बन्नों की सहेली, रेशम की डोरी। अच्छा बस, और बन्नों की मैया आगे क्या? आगे गाओ भाई, आगे खुद राइम करो। ब्यूटीफुल तो अभी भाई हम सब रेडी हो गए हैं। मम्मी का येलो कलर कहाँ है? वो रहा, दिख गया ना। हाँ, माधव की जो बुआ है वो अभी तक तैयार नहीं हुई भाई। माधव की ना बुआ, की बुआ आई, देखो मैं मैजिक करके लाती हूँ माधव की बुआ को, जल्दी से लेके आई, जरा देखे हम भी माधव की बुआ कितनी देर में तैयार होती है।
बहुत दूर हो गए, उन्हें कब से लगी है वो, 5 बजे से यार। भाई हम ऐसे ही बोलते हैं जब टाइम पे कोई नहीं आता ना, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तो हम आना मेरी साइड। अरे हाँ, ये लड़की वाली 5 बजे से तैयार होने लग रही है वो। ये फाइनली बुआ तैयार होकर आ गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो आप ये बताओ, आप मेकअप करके आई हो, मेकअप बना बना के तब करके आई हो? हर्बल 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 प्रोडक्ट बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्ने का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा मुखड़ा चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बड़ा चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनने का गोरा बड़ा चमकी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनने का गोरा मुखड़ा चढ़ाओ रे, बन्नी के गोरे हाथ चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्ने के गोरे हाथ दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्ने का गोरे हाथ दमकाओ। बन्ने के तो है ही नहीं। तेल चढ़ाओ रे, बन्नी के गोरे पैर चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन हमारी दुल्हन को तो लग चुकी है हल्दी, और दूल्हे को भी देखिए, थोड़ी थोड़ी सी तो हल्दी लगा ही देते हैं चेहरे पे, वो ना फिर दीदी छूटेगी नहीं, अगर चेहरे पे लगा दी ना तो छूटेगी नहीं। हो गया, चलो ठीक है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम हल्दी लगाई है, और अब इनको होने वाला है टाइम श्रृंगार करने का, और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे, इनके कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि इनकी शादी के लिए इनको तैयार करना है। उससे पहले हम थोड़ी सी फोटोज खींचेंगे और थोड़ा सा हल्दी का एंजॉयमेंट करेंगे। यस, चलो। मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, सास बुलाए बहू कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, सास बुलाए बहू कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, बुआ बुलाए मम्मी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, देवर बुलाए भाभी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ननद बुलाए भाभी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी,
हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, जीजा बुलाए साली कैसे आएगी, कैसे आएगी जीजा जी। साली थोड़ी मॉडर्न है जीजा जी। ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, दादी बुलाए कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी। ये देख रहे हो कितने सुंदर कपड़े बनवा कर दिए हैं, डिजाइनर तो हमारा एक ही है लेकिन। तो हल्दी की रस्म हो गई और शगुन भी एक दूसरे को दे दिया गया और अभी मैं ठाकुर जी को शादी के लिए अब तैयार करने लगी हूँ क्योंकि सभी गोपाल जी को तैयार करने में टाइम भी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।